अग्निना सिच्यमानस्य वृक्षो वृद्धिं न चाप्नुयात्। तथा सत्यं विना धर्मः पुष्टिं नायाति कर्हिचित्। साम्प्रतिकस्य धार्मिकस्य ईदपर्वणः शुभकामना पुरस्सरं वयमिह आयाताः वार्तावल्याः 57-अधिकैकशततमम् अङ्कमादाय। नमस्करोमि दर्शकान्, इयमहं सत्यप्रिया। अयञ्चाहं नारायणदत्तः, अभिवादये सर्वान्। सत्यप्रिये, इस्लाम धर्मस्य प्रसिद्धं पुनीतं च अदः खलु ईद पर्व। भवेन्नाम इदं धर्मविशेष संयुतं परं धर्म धर्मान्तर्गतं पारस्परिकं समत्वमेव प्रख्यापयति ईद पर्वणः अयं सार्वत्रिकः सुयोगः। नारायणदत्त, सत्यतरमिदं भवदुक्तं समत्वं इत्यदः पदं श्रुत्वा स्मरामि समत्वं योग उच्यते इत्यमुं श्लोकांशम्। अहो, एतद् वचनान्तस्तत्त्वमेव विस्तृतिं प्रापयति योगसंयुतं भगवतोपदिष्टं साम्प्रतिकमस्मदीयमिदं सुभाषितम्। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चात्ति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो बहुत अधिक खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, जो बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, उन्हें योग में सफलता नहीं मिलती। ओ अर्जुन, those who eat too much or eat too little, sleep too much or too little, cannot attain success in yoga. Satyam, nadhikam nacha unam apitu sarva paristhitishu samastariyatvameva apekshate sarvataha prashansitaya jivanacharyaya. Avashyam, बहुधा प्रशंसितं कदाचित् गर्हितं चापि लोकजीवनगतमेव सर्वं साप्ताहिकं वृत्तजातं यथायथं समस्तरीयम् इत्येवं परिभाव्य एव प्रस्तूयन्ते अस्माभिः प्रवाहिवार्ताः। नमो ऐप तंत्र माध्यमेन डिजिटल इंडिया लाभार्थिभिः सह सम्भाषमाणेन प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रोक्तं यत् डिजिटल इंडिया कार्यक्रम द्वारा सामान्य जनानां जीवने महत् परिवर्तनम् आपन्नमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना छत्तीसगढ़ाय प्रायः 22,000 रूप्यकात्मक योजनानां उपहारः उपायनीकृतः। प्रधानमन्त्री प्रतिपादयत् यत् हिंसा षड्यन्त्रयोः एकमेव प्रत्युत्तरमस्ति विकासः। आधुनिकं विस्तारितं च भिलाई लौह सार संयन्त्रं प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्राय समर्पितम्। केन्द्रीय मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन मोदी प्रशासनस्य वर्षचतुष्टयस्य उपलब्धीनां विवरणं प्रस्तुतम्। रेलमन्त्री व्याहरत् यत् रेलविभागं समर्थं विश्वसनीयं च विधातुं प्रशासनस्य कृते प्राथम्ययुतमस्ति। स्वास्थ्यमन्त्री जेपी नड्डा ब्रवीत् यत् 22,000 वर्षं यावत् 1,250 स्वास्थ्यकेन्द्राणि स्थापयिष्यन्ते। विदेश राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह गतदिने कैलाश मानसरोवर यात्रार्थं प्रथमं वृन्दं प्रस्थापितवान्। 24 दिन पर्यन्त प्रवर्तमानायां अस्यां यात्रायां षष्ठी तीर्थयात्रिणां 18 वृन्दानि पृथक् पृथक् काले प्रस्थास्यन्ति। जम्मू कश्मीरे सांबा जनपदस्य रामगढ़ क्षेत्रे पाकिस्तान पक्षतः भीषण गोलिकावर्षणं विहितम्। एकं सहायक नायकं समित्य सीमा सुरक्षाबलस्य 4 भटाः वीरगतिं प्राप्ताः, अपरे 5 च व्रणिताः। भारतीय सुरक्षाबलैः पाकिस्तानीय सैनिकाः समुचितं प्रत्युत्तरिताः। राइजिंग कश्मीर वार्तापत्रस्य संपादकः प्रमुख पत्रकारश्च शुजात बुखारी श्रीनगरे अनभिज्ञाते आक्रमणकारिभिः गोलिकाप्रहारैः निहतः। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन अथ च जम्मू कश्मीर मुख्यमन्त्रिणं समेत्य कतिपयैः जनैः घटनेयं भीषं विनिन्दिता। सिंगापुरे सम्पन्नस्य ऐतिहासिक सम्भाषणस्य अनन्तरम् अमेरिकीय राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्पस्य उत्तर कोरिया नेतुः किम जोंग उनस्य च मध्ये ऐतिहासिकः सन्धिः सञ्जातः। उत्तर कोरिया देशः पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरणार्थं सहमतः। रूस देशस्य राजधान्या मास्को नगर्याम् 21 फीफा फुटबॉल विश्व चषक स्पर्धा आरब्धा। ऐषमः अस्यां प्रतिस्पर्धायां 32 वृन्दानि सहभागं विदधति। अद्य अखिलेऽपि देशे ईद पर्व सोत्साहं समायोज्यते। मस्जिद ईदगाह चेति प्रार्थनास्थलेषु विशिष्ट प्रार्थनाः आयोजिताः। उत्साहप्रदः राष्ट्रियः अन्ताराष्ट्रियश्च उत्सवमयः वार्तावृत्तादि योगः नूनं सिद्ध्यति सर्वेभ्यः स्फूर्ति साधकः। सत्यं, स्फूर्तिस्तु भवति स्फुरिता समुचित स्वास्थ्यसन्धारणेनैव।
यतः समुचितं स्वास्थ्यं तु शारीरिकीं मानसिकीं आध्यात्मिकीं च स्फूर्तिम् अन्तर्भावयति। कोनु जानीयाद् वैश्विकीं स्वास्थ्य परिभाषां यत्र अध्यात्मयोगः अपि युक्तियुक्तं सन्निवेशितः। परन्तु प्रिय दर्शकाः, एतस्मिन् क्रमे न तथाभूतं संवादं अपि तु व्यायामं योगम् अध्यात्मं किं वा समग्रं स्वास्थ्यमाधृत्य त्रिज्यान्तर्भूतं योगमाहात्म्यसम्बद्धमेव प्राग्वर्तिसंवादांशम् एकत्रीकृत्य प्रतिवेदनमाध्यमेन प्रस्तुमः। समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। योगस्य आयुर्वेदस्य अन्यान्य चिकित्सा पद्धतीनां चैव वा लक्ष्यं तु एकमेव, मानव जीवनस्य कायिकी मानसिकी आध्यात्मिकी च सुस्थिरता अथवा अपरशब्दैः उच्यते चेत् स्वास्थ्य संधारणम्। तत्र चापि स्वास्थ्ययोगः कथं नु शक्यः विना योगम्। आधुनिक समाजेन योगशास्त्रस्य यः अर्थः अभिधीयते अपि वा स एव यथार्थः योगार्थः। योग एक सर्वांगी विकास है जी। सिर्फ कसरत करने से इंसान फिट नहीं रह सकता, रोग मुक्त नहीं हो सकता। खाली उसे एक अच्छा एनर्जेटिक महसूस होगा, भाग दौड़ और अच्छी तरह कर पाएगा, उतना ही जरूरी है कि मन की स्थिति को समझे। मन में अगर एक बार भी गुस्सा आया ना, या चिंता हुई या दुखी हुए या बुरा लगा, तो उसका सीधा असर शरीर पर पड़ता है। तो योग में ये फिलॉसफी का विषय आ गया कि कैसे सोचना चाहिए। योग सूत्र की भाषा में लिखा है, सूत्र यानी छोटी छोटी लाइन, कम से कम शब्दों में आपको जो कहना वो कहो। तो फिर वो सूत्र में जैसे पहला ही चैप्टर है उसका ये सूत्र आता है, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। यानी फर्स्ट कि आप चित्त की वृत्ति का निरोध करो। क्यों निरोध कर रहे हो? जिससे आपको अपने अंदर का दृष्टु आत्मा उसकी अवस्था का ज्ञान हो और ये वृत्तियों पर पूरा काबू। और वृत्तियाँ क्या है? अपने विचार हैं। तो ये सब फर्स्ट चैप्टर में आता है। दूसरे चैप्टर में आता है कि योग में साधन पाद, योग में क्या है। तो वहाँ ये सब बात आती है कि योग किन किन चीज़ों से बना है। तो फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टवंगानी योगा, तो ये सारे 8 अंग मिलाकर और योग होता है। अष्टांग युतो योगः अयम च प्रख्यापयति सूक्ष्म रूपेण शरीराभ्यंतरे निगूढानां मूलाधारादि सप्तचक्राणां उत्प्रेरणम्। वस्तुतः आधुनिकं शरीरविज्ञानमपि योगस्य सप्तचक्रवर्तित्वं सत्यापयति। वैसे आपका जो साइकिक सिस्टम है, ऑरा है, या आपका जो इनविजिबल कोशस है, पंच प्राणमय कोश इत्यादि, तो उसमें 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो नाड़ी क्या होता है? इनविजिबल एनर्जी चैनल्स है जिसके थ्रू प्राण का प्रवाहन होता है। तो ऐसे 72,000 एनर्जी चैनल्स है, तो जब 72,000 एनर्जी चैनल से तो नेचुरली ये लोग क्रिस क्रॉस करेंगे, है ना, पैरेलल तो नहीं हो सकते हैं। तो जब भी दो या ज़्यादा नाड़ियाँ क्रिस क्रॉस किए वो जंक्शन को चक्र बोलते हैं। तो कितना चक्र संभव है? हजारों चक्र संभव है, लेकिन उसमें 7 चक्र सबसे प्रमुख है। इसलिए कि ये 7 चक्र जो है सबसे मेजर नाड़ी है। 3 नाड़ियाँ हैं 72,000 नाड़ियों में, 3 सबसे प्रमुख नाड़ियाँ हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो है आपका स्पाइन एरिया में ऐसे डबल हेलिक स्ट्रक्चर जैसा इड़ा पिंगला है और सुषुम्ना सीधा है, ये तीनों जब 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 क्रॉस करते हैं, एक साथ होते हैं, तब एक मुख्य चक्र प्रमुख चक्र होता है। तो ऐसे 7 बार ये लोग क्रॉस करते हैं, तो इसलिए 7 चक्र होते हैं। सप्तचक्र प्रचोदन पूर्वकं सर्वांगीण स्फूर्तिप्रदं इदं योगशास्त्रं जीवने आतति नियमनाय सहायकं सत् जटिल कार्य संपादनाय अपि महत् उपयोगी। तस्माच्चैव योगविशारदैः प्रशिक्ष्यन्ते अंतरिक्षयात्रिणः योत्रि विमानचालकादयश्च। अंतरिक्षविज्ञानक्षेत्रस्थैः अग्रणी संस्थानैश्चापि अभिस्वीक्रियते
योग महात्म्यम। नासा समटाइम जब मैं काम कर रहा था उस समय तो स्पेस शटल प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, तो उस समय योग को उसके साथ जोड़ा नहीं था। परंतु आगे जब वापस आ गए, योग में शुरू हुआ, तो उधर एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं उसको योग को सिखाते हुए उसका फ़ायदा दिलाने का वो अनुसंधान किया, बहुत फ़ायदा हुआ। जो इधर से फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इधर से गए थे उनको हम सिखाए थे बेंगलुरु में, उसको बहुत अच्छा लगा। इस ढंग से हर एक क्षेत्र में योग को लाने का है, तो मेक योगा ए सोशली रेलेवेंट साइंस। सिर्फ योग हिमालय के लिए नहीं है, सब के लिए होना चाहिए, युवा लोगों के लिए होकर विद्याभ्यास में होना चाहिए और सब प्रोफेशनल को होना चाहिए, तंदुरुस्त ठीक रखने के लिए चाहिए। और हमारे यहाँ रेलवे ड्राइवर्स जो है वो हमारे पास है, उसको क्या हो रहा था, नाइट ड्यूटी में वो चलाते रहते हैं, नींद आ जाती है, इसलिए योग का मॉड्यूल बनाया। तेषां कृते अपि तस्मात् जेट फाइटर्स होते हैं, बहुत जोरदार से चलते हैं, उसका बहुत ही अच्छा उधर सजगता होना चाहिए, एकाग्रता, इसलिए कैसा करना है उसको भी हम डेवलप किया। शरीर स्वास्थ्य संरक्षक संपोषक चैष योग आयुर्विज्ञान मूल आयुर्वेदश्च अन्योन्य परिपोषकौ तदर्थं च आधुनिका आयुर्वेद विदोपि प्रतिपादयन्ति रोग निर्मूलन पद्धतिषु योग प्रक्रियाणां औचित्यम्। मॉडर्न मेडिसिन इज समथिंग विच इज गॉट द हिस्ट्री ऑफ जस्ट 300 इयर्स, वेयरएज आयुर्वेद शास्त्र इट इज अनादि। There are these so many things, concepts we need to accept Ayurveda as a Shastra. When we say that Ayurveda as a medical science, we have to accept so many things, Anaditva, Apaurusheyatva and Nityatva. These are the three concepts which we have to accept in Ayurveda Shastra. Whereas in modern medicine, its development is from just 300 years. But before that also, people were living and humans were living and they were having the treatments. But it was Ayurveda Shastra which used to give the knowledge about complete system of life actually. It is not only medical science. Ayurveda is not a medical science just at all. It is the science of life or the knowledge of life. That's why it is called as Ayuhu Vedayati Iti Ayurveda. एवं च सनातनी चिरंतनी चेयम योग विद्या वर्तते आधि निवारिणी सकल व्याधि वारिणी आत्मतत्व प्रकाशिनी आरोग्य संपत् संवर्धिनी च यथा च उच्यते धर्मार्थ काम मोक्षाणां आरोग्यम मूलमुत्तमम् रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। योग विषयकं समुचितं प्रतिपादनं एतत्। यदि नाम शारीरिकं मानसिकं आध्यात्मिकं च सौष्ठवं इष्यते तर्हि योगशरणं एव आसाद्यं सर्वैः। परन्तु योगशरणत्वम् आप्तुं तच्छरणं तदीयमूलं वा संस्कृतं नूनमेव अवगन्तव्यं साधारणैरपि जनैः। एवं संस्कृतावगमः साधारणजनं यावद् यथा प्रवर्धेत तदर्थमेव उपकल्पितोऽस्ति अस्मदीयः खेलक्रमे संस्कृतशिक्षणम् इत्याख्यः प्रभागः। नमस्कारः, वार्तावल्याः संस्कृतशिक्षणकक्षायाम् अद्य पुनः भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। पूर्वकक्षायां वयं संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य पुनः संस्कृतवाक्यानाम् अभ्यासाय वयं सरोवरं प्रति गच्छामः। एकस्मिन् वने एकः सरोवरः आसीत्, तस्मिन् सरोवरे एकः कच्छपः आसीत्, द्वो हंसो तस्य परमो सखायुः आस्ताम्। तस्मिन् सरोवरे प्रभूतं जलम् आसीत्, द्वो हंसो प्रतिदिनं तस्मिन् सरोवरे आगत्य कथा श्रवणादि माध्यमेन तेन कच्छपेन सह वार्तालापं अकुरुताम्। तदा एकदा तस्मिन् वने जगति च वृष्ट्याभावात् तत्र जलाभावः जातः, शुष्कता जाता, तस्मिन् सरोवरे अपि जलाभावः जातः। तत्र जलाभावेन सह कच्छपः जीवने तस्य काठिन्यं जातं,
तदा दो हंसो अवदता, भो मित्र अस्मिन् जलाभावे भवतः जीवितं कठिनम् अस्ति, अन्यस्मिन् वने एका सरोवर अस्ति, तस्मिन् सरोवरे प्रभूतं जलम् अस्ति, तु भवान् तत्र गच्छतु, आवामपि तत्रैव गमिष्यावः। तदा कच्छपः अवदत्, अहं तु जले वसामि, अहं स्थले गन्तुम् असक्तोऽस्मि, तत् कथम् अहं तद्दूरे तस्मिन् सरोवरे गन्तुं शक्नोमि। तदा दो एव हंसो अवदतां, भो भवान् आवयो मित्रम्, आवां साहाय्यं करिष्यावः, किन्तु भवान् मौनव्रतम् आचरतु, यदा भवान् वदिष्यति तदा अधः पतिष्यति। तदा स कच्छपः अवदत्, एवम् अस्तु। तो दो हंसो एकं काष्ठखण्डम् आनीय एकेन हंसेन एकतः अपरेण हंसेन च अपरतः तत् काष्ठखण्डं गृहीतं, तस्मिन् काष्ठखण्डे मध्ये सा कच्छपा मुखेन गृहीत्वा ताभ्यां सह आकाशे गतवान्। तत्र च नगरे ये नागरिकाः आसन् आकाशे दृष्ट्वा ते अवदन्, भो पश्यत् पश्यत्, तत्र तो दो हंसो चक्रं नयता। तु तदा सः कच्छपः अचिन्तयत्, तत्र मह्यं चक्रं वदन्ति, मह्यं चक्रम्, अहं तु कच्छपः अस्मि। सः वदति, ओहो के वदन्ति एते? एवं वदन् सः कच्छपः अधः पतितः, ते जनाः सर्वेपि मिलित्वा तं गृहीत्वा मारितवन्तः। अनया कथया शिक्षा मिलति यत् मित्राणां यानि सद्वचनानि भवन्ति तानि स्वीकर्तव्यानि, तानि पालयितव्यानि। अधुना श्लोकद्वयम्। त्याज्यं न धैर्यं विदुरेऽपि काले, धैर्यात् कदाचित् स्थितिमाप्नुयात् सः, जाते समुद्रे पिचपोत भंगे, संयात्रिको वांछति तर्तुमेवा। सुहृदां हितकामानां न करोति हयो वचः, सकूर्मैव दुर्बुद्धि, काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। शोभनं। सम्पन्नायं कक्षा, आगामी कक्षायां पुनः मेलिष्यामः। तावत् पर्यन्तं नमस्कारः। बुद्धिबल संपन्नाय जनाय तु न किमपि भवति दुष्करं, परं नारायणदत्त बुद्धिस्तु भवति कदाचित् भ्रान्तापि। आम्, भवतीयं बहुधा भ्रान्ता, परं जानाति भवति कदा संतिष्ठते बुद्धिरियं अभ्रान्ता इति। बुद्धिः अभ्रान्ता कदा? यदा विवशं न स्याद् हृदयमिदं पदं न स्यात् परिभ्रष्टम्। अरे, भवान् स्तु सायेके नैकेनैव सन्धानद्वयं वर्तते विदधानः, प्रश्नोत्तरप्रदानं स्पर्धागीतस्मारणञ्चापि। दर्शकाः, अद्य गीतानुवादस्पर्धानिर्णयप्रख्यापके दिवसे समुचितानुवादं विधाय विजयश्रियं अर्जयति पुनरपि गुरुग्रामतः डाक्टर् सी आर् नागपालः। एतत् स्पर्धा गीतानुवादार्थं च स्वीयं स्वरं संयोजयति गुरुग्रामतः एव राजेशः उपाध्यायः। हृदयं न स्थास्यत् अतिदीनं पदं हि न स्थास्यत् पथभ्रष्टं, यदि सुन्दरी वै कापि स्वीया सङ्गिन्य स्थास्यत्। ओ हृदयं न स्थास्यत् अतिदीनं पदं हि न स्थास्यत् पथभ्रष्टं, यदि सुन्दरी वै कापि स्वीया सङ्गिन्यस्थास्य।
हरे श्रुतम यदा प्रभृति मधुरागतः अहमपि प्रेम पथिक सन्नागतः श्रुतम यदा प्रभृति मधुरागतः अहमपि प्रेम पथिक सन्नागतः कोऽपि न कोऽप्याह्वास्यते स्थितोऽस्मि अहमपि पद्मसु हृदयं न स्थास्यदतिदीनं पदं हि न स्थास्यत्पथुव्रतं यदि सुन्दरि वै कापि स्वीया सङ्गिन्या स्थास्यति मन्ये ताम नहीं पर किन्वे जनस्कूतः संकेतमपि नहीं जानते मन्ये ताम नहीं पर किन्वे जनस्कूतः संकेतमपि नहीं जानते मिलनम् लिखितमस्ति यदि एषति अनुवाद गायन कर्मान्वितस्य सुमधुरस्यास्य यासस्य कृते वर्धाप्यते नागपालोपाध्याय महोदय युगलम्। सम्प्रति क्रमस्तु अस्मदीय नूतन स्पर्धा गीतोद्घोषणस्य। ए आर् रहमान प्रदत्त संगीत समन्वितं रोजा चलचित्रस्य इदमस्ति अस्मदीयं नूतन स्पर्धा गीतम्। मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा। दर्शकाः एतस्य नवस्पर्धागीतस्य अनुवादकार्यम् अत्र पट्टिकया प्रदर्श्यमान निर्धारितकालं परिपाल्य प्रेषयन्तु भवन्तः। आम् संस्कृतशब्दावल्यैव सुपुष्टं स्पष्टं यथाशक्यं संशुद्धं चानुवादं सोत्साहम् अधिकाधिकं प्रेषयिष्यन्ति भवन्तः इति सन्तुष्टामहे वयमपि समुत्सुकाः। नारायणदत्त मन्येऽहं यत् विना प्रतिस्पन्दनं स्पन्दनभूतं यत् किञ्चिदपि भवति अपूर्णमेव। ध्रुवास्पदं वचनमिदम्। एतस्मादेव विगताङ्कं वीक्ष्य सुहृद्दर्शकैः प्रेषितं यत् किञ्चिदपि प्रोत्साहनपरं प्रतिस्पन्दनं तु संस्कृतस्पन्दनभूतस्य अस्मदीय कार्यक्रमस्य हृदयास्पदं पूर्णयति। नूनम् एतस्मात् भवद्भ्यः सर्वेभ्यः हृदाकार्तज्ञं समर्पयति वार्तावली दलम्। सुहृद्दर्शकाः समेषां संस्कृतप्रियाणां वरीवस्यया इतोऽपि वर्धेत वार्तावली इति शिवं समुत्प्रेक्षमाणाः सम्प्रति वयं पुनरागमनाय अनुज्ञापनीयाः। तावद् भूयात् भावि सर्वं स्वस्तिमयम्। तस्याः रागेनु भविता दुःख सहनम् शिक्षितं मया चिणु प्रसरैः क्रीडनम् तस्याः रागे भविता दुःखकरणं शिक्षितं मयापि शृणु प्रसरैः क्रीडनं वदनं कदापि सुदर्शयिष्यते स्थितोऽस्मि अहमपि वर्त्मसु हृदयं न स्थास्यदतिदीनं पदं हि न स्थास्यत्पथुव्रतम् यदि सुन्दरि वै कापि स्वीया सङ्गिन्या स्थास्य ओ हृदयं न स्थास्यदतिदीनं पदं न स्थास्यत्पथुव्रतम् यदि सुन्दरि वै कापि स्वीया सङ्गिन्या स्थास्य।